और चलिए बढ़ते आगे, और इस वक्त रायसेन से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का जो नामांकन है वो होल्ड पर रख दिया गया है, और रिटर्निंग ऑफिसर ने दरअसल आपराधिक मामलों की गलत जानकारी देने पर उनका नामांकन अब रोक लिया है। बीजेपी प्रत्याशी है सुरेंद्र पटवा, उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर ने यह नामांकन होल्ड किया है। बता दें कि इस वक्त जब अंतिम तारीख बीत चुकी है नामांकन दाखिल करने के, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी हो रही है, और इसी वक्त आपराधिक प्रकरणों की गलत जानकारी देने की बात सामने आई, जिसके बाद आपत्ति जताई गई अधिकारी द्वारा, और बीजेपी के सुरेंद्र पटवा ने दरअसल सुरेंद्र पटवा को बीजेपी ने भोजपुर से प्रत्याशी बनाया, उन्होंने वहां से नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन गलत जानकारी की बात सामने आने पर अब उनका जो नामांकन है वो होल्ड पर रख दिया गया। 19 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, कुल 22 नामांकन थे, अभ्यर्थी 19 थे, तो 18 की संवीक्षा पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से 4 नामांकन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हुए हैं और 14 स्वीकृत हुए हैं, 1 नामांकन फॉर्म है, 3 आपत्तियां प्राप्त हुई है, तो उसको कल अंतिम रूप से संवीक्षा उसी की जाएगी, निर्णय दिया जाएगा। तो जिस पे आपत्ति नामांकन होल्ड नहीं किया है उनको, एक अफसर जवाब के लिए दिया गया है, कल वो 11 बजे अपना जवाब देंगे। तो देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने जब ये बात पाई कि आपराधिक प्रकरणों का जो पूरा लेखा जोखा नामांकन में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा ने जो दिया है वो दरअसल गलत है, उसके बाद अब उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया है। देखना होगा कि क्या इसकी सही जानकारी ली जाती है या फिर आगे नामांकन रद्द किया जाता है, अब इस पर नजर टिकी हुई है। लेकिन बीजेपी ने दरअसल सुरेंद्र पटवा को भोजपुर से प्रत्याशी बनाया है, वहां से उन्होंने नामांकन, उन पर कुछ आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, और बताया ये जा रहा है कि दरअसल नामांकन में यही पाया गया है कि जो जो मामले उन पर आपराधिक रूप से दर्ज हैं, आपराधिक प्रकरणों की जो जानकारी थी वो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में गलत दी है, जिसके बाद उन पर फिलहाल ये कार्रवाई की गई, एक तरीके से उनका फिलहाल नामांकन होल्ड कर दिया गया है।